हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सर, शेयर मार्केट एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे पीएनबी, राइट, पंजाब नेशनल बैंक। इसका टारगेट प्राइस हम डिस्कस करेंगे 7 मई के लिए। सर, इसके लिए हम तीन चीज़ों का सहारा लेंगे। नंबर एक आरएसआई, नंबर दो चार्ट, नंबर तीन ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले आरएसआई पे चलते हैं। आरएसआई 56.79 पे चल रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है कि 30 to 80 के बीच में आरएसआई के इंडिकेटर की मीनिंग 30 ओवरबॉट सोल्ड जोन, 80 ओवरबॉट जोन। ये 56.79 लगभग 57 के आसपास चल रहा है, ना तो ओवर सोल्ड ना तो ओवरबॉट। तो ये टेक्निकल इंडिकेटर किसी तरफ भी जा सकता है, ऐसा बता रहा है, राइट। अब देखते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, ये 18 फरवरी को जो है 42 रुपये तक गया था, वहां से डाउन होते होते नीचे तक आया था। 25 मार्च को जो है ये जो है 38 रुपये तक रह गया था, फिर और नीचे थोड़ा आ गया था। यहाँ पे 13 अप्रैल को जो है 36 रुपये। फिर यहाँ से देखिए एक मोमेंटम बना हुआ है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते 37, 37, 35, 34, फिर यहाँ देखिए 35 से जो है 33 से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जो है एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है आज की डेट में। देखिए ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है और क्लोजिंग इसने दिया है कितने का, 39 रुपीज के, 39.2, राइट। सो यहाँ पे एक कल की डेट में थोड़ा सा अगर मार्केट का मूड सही रहता है तो यहाँ पे एक जंप देखने को मिल सकता है। ये वाला जंप यहाँ पे देखिए 34 से 49.5 पॉइंट का, तो ये 42 रुपए कल की डेट का टारगेट। अगर यहाँ से 39 से 4-5 पॉइंट का जंप आया तो 39.443, तो 43 रुपीज तक जा सकता है ये वाला लेवल। ये देखिए ये वाला लेवल है 39, ये इसके ऊपर जाने पे ये देखिए 41, 42, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। ये जो है लेवल है 43.444। सो इसका टारगेट कल के लिए है 43.4 और 44। ध्यान रखिए ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल के दम पे मोमेंटम काफी अच्छा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।